मेरे सभी मित्रों को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको चंद्र ग्रह के उपाय कि अगर आपकी कुंडली में आपका चंद्र ग्रह खराब है तो उस खराब चंद्र ग्रह को कैसे अच्छा करें, क्या छोटे छोटे उपाय करें, कौन सा वो अचूक उपाय करें, आज मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। साथ में मैं आपको एक कहावत है ना कि 100 सोनार की और 1 लोहार की, मैं आपको चंद्र ग्रह का एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि वो उपाय करें, मैं दावे से कह सकता हूँ कि चंद्र ग्रह की कैसी भी समस्या हो वो समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सबसे पहले तो चंद्र ग्रह की समस्या क्या आती है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप क्या करें, हमारा जो इसके पहले का वीडियो है, पिछला वीडियो है, उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो में चंद्र ग्रह से संबंधित जो जो समस्याएं हैं वो बताई गई हैं। वो समस्याएं हैं जो निश्चित उनका निदान है। निदान के लिए सबसे पहले हम ये जान लें कि जिस किसी का भी मूलांक 2 है और जन्मतिथि 2 तारीख है, 11 तारीख है, 20 तारीख है और 29 तारीख है, ऐसे लोगों का मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 का मुख्य ग्रह चंद्र होता है और चंद्र ग्रह अगर ऐसे लोग अच्छा कर लें तो निश्चित रूप से कहते हैं ना जीवन में सफलताएं पा सकते हैं। अगर किसी का चंद्र ग्रह खराब है तो सबसे पहले वो क्या करे, सुबह नहाने के पानी में कुछ बूंदें गुलाब जल की डाल ले या 1 चम्मच कच्चा दूध डालकर उस जल से नहाए, तो क्या होगा, इससे चंद्र ग्रह मजबूत होगा। मान लेते हैं किसी को व्यापार, किसी का चंद्र ग्रह का व्यापार पानी का व्यापार है, दूध का व्यापार है, कोई भी लिक्विड है उसका व्यापार है, तरल पदार्थ जिसे कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अगर व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है तो निश्चित है कि उसका चंद्र कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, इसलिए वो चंद्र ग्रह का व्यापार भी कर रहा और उसमें लाभ नहीं हो रहा है। तो वो व्यक्ति क्या करे, अपनी जेब में एक 2 इंच बाई 2 इंच, छोटा सा 2 इंच बाई 2 इंच का चौकोर एक चांदी का टुकड़ा लेके और उसका पूजन करके और वो अपने पर्स में रख ले, निश्चित रूप से चंद्र ग्रह की कृपा होगी और उसके पास जो धन की समस्या हो, धन की समस्या दूर हो जाएगी। किसी को चंद्र ग्रह से बीमारी है, बीमारी है तो वो के व्यक्ति क्या करे, अपने घर के आसपास कहीं ऐसी जगह देखे जहां मछलियां हो, मछलियों के लिए वो क्या करे, उनके लिए दाना, दाना कैसा, थोड़ा सा आटा ले, उसमें कुछ काले तिल डाल दे, थोड़ा सा गुड़ डाल दे, 2-4 बूंदे सरसों के तेल की डाल दे और छोटी छोटी गोलियां बना के शनिवार को वो मछलियों को वो गोलियां दाना डाले, तो निश्चित रूप से उसकी जो चंद्र ग्रह संबंधित बीमारी है वो बीमारी भी उसकी दूर हो जाएगी। मान लेते हैं धन की बहुत बड़ी समस्या है, ठीक ही नहीं हो रही है, मूलांक 2 है, तो क्या करें, ऐसे लोग अपने मामा मामा के पास जाएं और एक चांदी की छोटी सी ईंट, ईंट बहुत छोटी सी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, और ईंट नहीं तो चांदी, कोई पुरानी चांदी लेकर आए और वो अपने घर की तिजोरी में रख लें। जैसे ही वो अपने घर की तिजोरी में चांदी रखेंगे उनकी धन की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये चंद्र ग्रह के छोटे छोटे उपाय, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि 100 सोनार की और 1 लोहार की, मैं आपको वो उपाय बताऊं। उसके पहले मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। दोस्तों, ऐसे लोग जिनकी जन्मतिथि नहीं है, जिनको अपना जन्म समय पता नहीं है और वो अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं या किसी भी रत्न की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोग नीचे लिखे हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अब जल्दी जान लें वो अचूक उपाय क्या है। वो अचूक उपाय ये है कि सबसे पहले जिसका भी चंद्र खराब है, ऐसे व्यक्ति सबसे पहले सुबह उठे हैं और अपने ही घर में माता जी के, अपनी माता के, मदर के चरण स्पर्श करें, साथ में
प्रत्येक पूर्णिमा को आटा, चावल, चीनी, ये किसी बूढ़ी स्त्री को अगर दान करेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं ये दो काम करने से कैसा भी चंद्र खराब होगा वो उनका चंद्र अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो के लिए आप हमारे संग बने रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।